हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज मैं बनाऊंगी शिमला मिर्च और आलू से बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम शिमला मिर्च को मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया और ले लिया आलू। अब हम ले लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा, डाल देंगे 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच हींग। फ्राई कर लेंगे हम पहले। जीरा जैसे ही हमारा चटक जाए, इसमें हम डाल देंगे आलू 2 मीडियम साइज के, और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल मीडियम पे रखेंगे। आलू हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, और आप देख सकते हैं आलू हमारा हल्का फ्राई हो गया। साथ ही हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज के प्याज को, 4 से 5 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। अब हम पैन का कवर लगा देंगे, 4-5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे कवर करके, और बीच बीच में आप चलाते भी जाइएगा। 4-5 मिनट हो गए, देखिए आलू भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी हम पहले फ्राई कर लेंगे सभी के साथ। अब डालेंगे हम कुछ मसाले। डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, और साथ ही यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि जो हमारा जो मसाला है वो जले नहीं। फ्राई कर लेंगे सभी मसालों के साथ, और डाल देंगे यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर को डाल के हम फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमारा बिल्कुल लो पे रहेगा। 4-5 मिनट के लिए हम भून लेंगे, जिससे कि जो हमारा जो टमाटर है ना वो सॉफ्ट हो जाए। कवर कर देंगे, और बीच बीच में आप चलाते भी जाइएगा। 4-5 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है पूरी तरीके से। अब हम डाल देंगे इसमें शिमला मिर्च। गाइज, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अब हम डाल देंगे शिमला मिर्च के बाद नमक स्वाद अनुसार। साथ ही यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, कटा हुआ डालेंगे यहाँ पे हरा धनिया, और गैस का फ्लेम लो करके हम तब तक कवर करके पकाएंगे जब तक कि आलू है जो हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। 3 से 4 मिनट लगेंगे और हमारा बनके तैयार हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आलू और शिमला मिर्च की ये रेसिपी। हम कवर कर देंगे, और बीच बीच में आप चलाते भी जाइएगा। देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं, आलू हमारा पूरी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं, और बनके तैयार हो गया हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी शिमला मिर्च और आलू की रेसिपी। आप इसे रोटी और पराठे के साथ सर्व करके खाइए, मुझे यकीन है आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और देखिए बनके तैयार हो गया है। आखिर में हम डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नए और इजी रेसिपी के साथ।